नमस्कार, आप सुन रहे हैं सेंट्रल न्यूज रेडियो। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने असम में अवैध रूप से आए 7 रोहिंग्याओं को उनके मूल देश म्यांमार भेजने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि उनके देश म्यांमार ने उन्हें अपने देश के मूल नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया है। पीठ ने कहा, अनुरोध पर विचार करने के बाद हम इस संबंध में किए गए फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, याचिका खारिज की जाती है। इन रोहिंग्याओं की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह जीवन का मामला है और इस न्यायालय की यह जिम्मेदारी है कि रोहिंग्याओं के जीवन की रक्षा हो। हालांकि पीठ भूषण के तर्क से सहमत नहीं थी और उसने कहा, आपको हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पीठ ने कहा, उनके मूल देश ने उन्हें अपने नागरिक के रूप में स्वीकार किया है। पीठ ने म्यांमार भेजे जाने के लिए असम के सिलचर में एक हिरासत शिविर में रखे गए 7 रोहिंग्याओं में से एक की अर्जी अस्वीकार कर दी। इस रोहिंग्या ने केंद्र सरकार को उन्हें म्यांमार भेजने से रोकने का अनुरोध किया था। इस बीच केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि ये 7 रोहिंग्या गैर कानूनी तरीके से 2012 में भारत में आए थे और उन्हें विदेशी नागरिक कानून के तहत सजा हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फैसला किया है कि सुरक्षा प्राप्त लोगों की निजी सुरक्षा के लिए अब विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओ की तैनाती नहीं की जाएगी। पीडीपी विधायक एजाज अहमद मीर की निजी सुरक्षा में तैनात एसपीओ के अपने साथ 7 एके राइफलें और एक पिस्तौल लेकर फरार हो जाने के बाद यह फैसला किया गया है। एसपीओ आदिल बशीर आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुरक्षा मुनीर अहमद खान द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है, यह आदेश दिया जाता है कि अब से कोई भी यूनिट एसएसपी निजी सुरक्षा अधिकारी की ड्यूटी के लिए किसी भी विशेष पुलिस अधिकारी को तैनात नहीं करेगी और सुरक्षा प्राप्त लोगों के साथ तैनात सभी एसपीओ एसपीओ ड्राइवरों को छोड़कर को तत्काल वापस बुलाया जाए। खान ने कहा कि ऐसा देखा गया कि कुछ एसपीओ सुरक्षा प्राप्त लोगों के साथ पीएसओ की ड्यूटी निभा रहे हैं जो सुरक्षा मानदंडों के अनुसार नहीं है, क्योंकि एसपीओ को पीएसओ की ड्यूटी निभाने के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा, अगर कोई एसपीओ वापस नहीं आता है तो उसका मानदेय जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे एसपीओ के नाम की सूची इस मुख्यालय को भेजी जाए ताकि उन्हें हटाने के आदेश जारी किए जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंचने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि डॉलर के मुकाबले इसकी जो स्थिति हो गई है उससे लगता है कि रुपया अब लुढ़क नहीं रहा बल्कि बर्बाद हो गया है। श्री गांधी ने ट्वीट किया, ब्रेकिंग, रुपया गिरकर 73.77 रुपए के स्तर के पार, यह लुढ़क नहीं रहा, यह छिन भिन हो गया है। गौरतलब है कि रुपया आज लुढ़कते हुए 73.82 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को भी रुपया रिकॉर्ड स्तर तक गिरकर 73.34 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया था और श्री गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस स्थिति को लेकर तुकबंदी करते हुए तीखा हमला करते हुए कहा, रुपया गया 73 पार, महंगाई मचाए हाहाकार, तेल गैस में लगी है आग, बाजार में मची भागम भाग और 56 इंच सीने वाले कब तक चलेगा साइलेंट मोड, कहाँ है अच्छे दिन का कोड। अपने पति दीपक कोचर को कारोबारी सौदे के दौरान लाभ पहुंचाने के आरोप से घिरी आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर ने आज समय पूर्व सेवानिवृत्ति ले ली। बैंक के निदेशक मंडल ने गुरुवार को सुश्री कोचर का आग्रह स्वीकार करते हुए उन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति देते हुए संदीप बख्शी को नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। सुश्री कोचर की सेवानिवृत्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। दीपक कोचर के मामले को लेकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेवी का शिकंजा बैंक पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हालांकि बैंक ने चंदा कोचर पर अपनी पूरी विश्वसनीयता जताई थी। चंदा कोचर पर आरोप है कि उनके पति की कंपनी में वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष
वेणुगोपाल धूत ने निवेश किया, जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन को वर्ष 2012 में 3,250 करोड़ रुपए का ऋण दिया, जो अब गैर निष्पादन परिसंपत्ति एनपीए है। बैंक इस मामले की आंतरिक जांच कर रहा है और जांच पूरी होने तक चंदा कोचर अवकाश पर थी। बैंक ने कहा है कि इस नए घटनाक्रम का जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री बख्शी का कार्यकाल 5 साल का होगा। इसके अलावा बैंक के स्वतंत्र निदेशक एमडी माल्या ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए सेंट्रल न्यूज रेडियो के साथ। धन्यवाद।